हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ वो फिल्मोरा एक्स है, क्रैक वर्जन है। अगर आपका लैपटॉप सही है, उसका प्रोसेसर ग्राफिक्स वगैरह सही है, तो ये जो क्रैक वर्जन है बहुत अच्छा तरह का, मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब बाकी लैपटॉप में करता है लेकिन थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा एक्सपोर्ट होने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो अभी नया वर्जन का लैपटॉप है, जिसका 8 GB रैम रैम के आसपास है, जो लैपटॉप, इसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्रैक वर्जन प्रो के बराबर काम करता है। अगर आप जो बिगेनर हो, आप सोच रहे हो आप एडिटिंग अभी अभी फिल्मोरा इंस्टॉल किया और एडिटिंग नहीं जानते हो, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना। आप 100% मैं गारंटी देता हूँ, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं, आप सब कुछ सीख जाओगे। और किसी के पास लैपटॉप नहीं है, वो सोच रहा हूँ मैं मोबाइल में वीडियो एडिटिंग करूँगा, कोई भी बिना वाटर मार्क का कोई ऐप के साथ मैं उसको एडिटिंग कराना सिखाऊंगा, उसके लिए हमको मेरे को कमेंट करना, मैं 100% उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, जैसे फिल्मोरा एक्स डाउनलोड करे, तो फिल्मोरा जो अंडर शेयर का फिल्मोरा वो एडिटर, तो इसमें आपको ऐसे कोई वर्जन दिखेगा। इसमें स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, इसमें आप वीडियो इंस्टाग्राम वीडियो वगैरह बना सकते हो और पोर्ट्रेट बना सकते हो, स्टैंड बना सकते हो 21। तो जो यूट्यूब के लिए 16:19 जो वाइड स्क्रीन है ये काम करता है। बाकी हम इंस्टाग्राम के लिए जो छोटा रील वीडियो टाइप का था उसमें भी पोस्ट बना सकते हो, सब कुछ एडिट कर सकते हो। तो इसमें से आप अपना लेना, लेकिन इस चीज को बाद में भी चेंज हो सकता है, आप क्रॉप करके चेंज कर सकते हो। तो न्यू प्रोजेक्ट में हम जाएंगे, जाके मैं ये कोई भी मेरा एक प्रीवियस यूट्यूब वीडियो एडिट करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं देखता हूँ इसमें होगा शायद डेस्कटॉप में वीडियो में, तो मैं अपना एक वीडियो ले लेता हूँ, कल का ही कोई एक वीडियो, और मैं जो बोलता हूँ उसमें से एक वीडियो और ले लेता हूँ। तो बैकलिंग वाला एक वीडियो है मेरे पास जो मैं ले लूंगा, और मैं अपना इंट्रो आउट्रो ले लेता हूँ। इंट्रो आउट्रो, इंट्रो बनाना आउट्रो बनाना मैं इससे पहले सिखाया, अगर आपको को कोई दिक्कत है इंट्रो आउट्रो मेरे को कमेंट करना, मैं 100% आपको एकदम इजी फ्री में बनाना सिखा दूंगा। आपको जो मर्जी है उसी हिसाब से बना पाओगे, ये कोई इतना खास चीज नहीं है जो बहुत ही हार्ड चीज है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। उसके बाद मैं अपना इंट्रो वगैरह ले लेता हूँ, इंट्रो और एक मैं सब्सक्राइबर बटन भी ले लेंगे। उसके साथ मैं और एक चीज लेना चाहता हूँ, जो इंपोर्ट करके एक बैकग्राउंड लूंगा, जो कि एक मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, कोई भी एक बैकग्राउंड मैंने यूज करना है, क्यों मैं ब्लू स्क्रीन यूज करता हूँ। और ब्लू स्क्रीन के बदले में मैं एक वीडियो भी डाला था बहुत पहले, आपके पास अगर ब्लू स्क्रीन नहीं है, सॉरी ब्लू स्क्रीन सॉरी ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो आप ब्लू ब्लैक कोई भी स्क्रीन आप लगा सकते हो उसमें। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसमें ऑंडर शेयर में एक मैजिक टूल है जिसकी मदद से आप कोई भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, लेकिन सेम कलर होना चाहिए। तो अभी मैं फर्स्ट में आप इंट्रो डाल सकते हो, लास्ट में भी डाल सकते हो, मतलब ये वीडियो के बाद डाल सकते हो। तो मैंने कैसे करना है, मैं फर्स्ट में इंट्रो डाल देता हूँ, या आप चाहो तो बीच में भी डाल सकते हो। तो मैं इस वीडियो को यहाँ डालूंगा, क्यों मैं इंट्रो के बाद मैं कुछ बता रहा हूँ उस चीज के बारे में आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा। क्यों मेरे को सिर्फ एडिट आपको दिखाना है, बाकी इसको वीडियो नहीं बनाना है। तो उसके बाद मैं मेन जो वीडियो मैं यहाँ डाल देता हूँ, और मैं ये जो बटन है ना जो दिख रहा है ना माइनस प्लस, इसको आप माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, क्यों आपको ये नीचे वाला ये करने का जरूरत नहीं है। तो ये छोटा कर दोगे जो माइनस प्लस, तो ये वीडियो शॉर्ट दिखाई देगा। इसमें से क्या फायदा होता है, अब जो आउट्रो बनाया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट में ये लगाना, आउट्रो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों आउट्रो नहीं लगाओगे तो वो जो इसके बारे में एक टॉपिक में बाद में बताता हूँ, अभी तो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। तो आउट्रो लगाना जो 100% अच्छा होता है, आउट्रो लगाना चाहिए। तो आउट्रो लगा दिया, अभी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा कि मेरे को एडिट करना है हर पोर्शन को। ये जो माइनस प्लस बटन है इसमें से आप कर सकते हो, अभी मैं इसको करूंगा थोड़ा बड़ा। अभी देखो, स्टार्टिंग में कोई बीच में आप ट्रांजेक्शन लगा सकते हो, ट्रांजेक्शन लगा तो इस साउंड जो साउंड को अलग भी कर सकते हो क्यों अगर मान के चलो आपके पास कोई बैकग्राउंड साउंड को भी अलग करना है, ये भी आप कर सकते हो। मैं एक दो मैं सोच रहा हूँ इससे पहले और एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका लैपटॉप में फैन साउंड वगैरह आ रहा है जिसमें से आपका नॉइज हो रहा है, तो अब जैसे यूट्यूब वीडियो जब शूट कर रहे हो
तो लैपटॉप में आप कैमरा लगा के जो वेब कैमरा यूज कर रही हो, अलग से एक्सटेंशन कैमरा लगा रहे हो, तो उसमें अगर आप फैन का साउंड आ रहा है उसको कैसे रिमूव करना है, इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। उस साउंड को आप उस वीडियो से अलग करके साउंड रिमूव करके बैकग्राउंड साउंड रिमूव करके उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है अगर आपका फैन ठीक नहीं हो रहा है, लैपटॉप का फैन साउंड कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इसको मैं बैकग्राउंड पहले मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, एक ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन लगाने का तरीका, ट्रांजिशन बहुत सारे ट्रांजिशन जो क्रैक वर्जन इसमें आ जाता है, इसमें इतना सारा ट्रांजिशन है, तो इंक्लूड में 233 ट्रांजिशन है, इसमें से बहुत सारा अच्छा सा ट्रांजिशन आप ले सकते हो। मैं कोई भी एक ले लेता हूँ जो अच्छा लगे, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे दिखता है। जैसे मेरा पोर्शन है, देखो ठीक। अभी इसमें मेरे को और भी बहुत कुछ करना है, तो ये मैं साउंड दे दिया, इसमें साउंड में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अभी इस बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है, इसमें क्लिक करना है आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। ये जो बटन दिख रहा है थर्ड वाला, ये फर्स्ट से 1 2 3 थर्ड वाला, ये हर बटन का काम मैं बता देता हूँ लोगों को। थर्ड वाला बटन में क्लिक करना है, इसमें क्रोमा की टाइप का आएगा, तो आपको इस क्रोमा को की तो ऑटोमेटिक क्रोमा की ले लेगा, लेकिन पीछे बैकग्राउंड देखो कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ। अगर आप ब्लू स्क्रीन यूज करते हो तो कंप्लीट रिमूव नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, ये जो मैजिक टूल दिख रहा है ना बगल में, ये जो मैजिक टूल, इस मैजिक टूल को एक बार सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करता है यहाँ आप जहां भी पकड़ोगे उस कलर को ये हटा देगा। तो मैं थोड़ा डीप ले लेता हूँ, इसमें एक बार क्लिक करेंगे तो देखो कंप्लीट रिमूव हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये ऑफसेट को बढ़ा के मैं प्लस करता हूँ, तो अभी पूरा ये रिमूव हो गया। ठीक है, कंप्लीट रिमूव हो गया, मैं थोड़ा दूर चला गया, कोई बात नहीं, तो कंप्लीट रिमूव हो गया। अभी इसमें बैकग्राउंड कैसे लगाना है, देखो इसमें फर्स्ट लेयर जो है, इसमें नीचे से अगर जाओ तो साउंड लेयर और वीडियो लेयर, तो आपको जो बैकग्राउंड यूज़ करना है हमेशा नीचे यूज़ करना है। तो मैं साउंड वाला को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्यों अगर नीचे लगाएंगे तो सही वो सही से लगता है। अभी मैं मीडिया फाइल में आऊँगा, कोने में मीडिया फाइल होता है, यहाँ से इम्पोर्ट होता है मीडिया फाइल। आप मीडिया फाइल बोले तो आप जितने सारे इम्पोर्ट करोगे। अच्छा, इसमें से मैंने इस बैकग्राउंड को खींच के नीचे ला ड्रैग करके और इसको मैंने पूरा लगा दिया। ठीक है, तो देखो मेरा वीडियो जब चलेगा, सॉरी मेरा वीडियो जब चलेगा तब ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। YouTube वीडियो डाला से ठीक, अभी ये चेंज हो गया मेरे पीछे का बैकग्राउंड, देखो कितना अच्छा बन गया। अभी बैकग्राउंड ये लाइट थोड़ा बैकग्राउंड लेने में सही रहता है, आप इसमें भी बहुत कुछ लगा सकते हो। जैसे मेरे को ये फर्स्ट में मैंने ट्रांजिशन को दोबारा लगा देता हूँ, ये ट्रांजिशन लगा दिया। अभी मेरे को थोड़ा बाद में क्या लिखना है, लाइक और शेयर वाला टाइटल लगाना है जो यहाँ से लिखा हुआ आएगा। अब बहुत सारे स्टाइल से लगा सकते हो, सॉरी, तो आपको टाइटल में जाना है। ये टाइटल ट्रांजिशन इफेक्ट एलिमेंट सबको मैं यूज बता देता हूँ, सॉरी। तो टाइटल में आने के बाद आपको बहुत सारे टाइटल मिल रहा है, सारे ये टेक्स्ट टाइटल मिलेगा जो सेंटर में होता है, और सो बार वाला टाइटल भी मिल जाएगा। देखो मैं एक यहाँ लगा के सेट करके आपको दिखाता हूँ, दूसरा मैं यहाँ से, बहुत स्टाइल का है, एक दो बार आप करोगे ना पूरा कंप्लीट सीख जाओगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ, तो दो टाइटल आपको सिखाएंगे। तो टाइटल देखो कैसा आ रहा है, मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ इस चीज को। मैंने जो थंबनेल बनाया आप डेली यूट्यूब वीडियो डालने से क्या आपका, देखो हो गया। अभी दूसरा टाइटल कैसे आता है मैं वो भी दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे, इसमें फ्री में बहुत सारे काम बन जाता है। तो इसको एडिट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जैसे इसका डबल क्लिक करोगे, इसमें डबल क्लिक करो या इसके ऊपर डबल क्लिक करो, यह सिंगल क्लिक करना है और आपको बैक स्पेस क्लिक करना है, डिलीट करना है। मैं इसमें लग दो लाइक एंड शेयर, फर्स्ट वाला में लिख दिया। अच्छा, जैसे कैसे दिखता है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जी मैंने जो थंबनेल बनाया आप डेली यूट्यूब वीडियो डालने से क्या आपका चैनल, अच्छा ये हो गया। दूसरा मैं आपको लगा के दिखाओ, ये बीच में क्या होता है, इसमें डबल क्लिक करो, इसमें डबल क्लिक करने के बाद इसमें लिखना, इसमें अगर आप प्लीज लाइक और शेयर, इसमें कमेंट लिख सकते हो लाइक एंड मैं इसको ऐसे देता हूँ शेयर। ये थोड़ा येलो के अंदर ये ठीक लग रहा है।
ट्यूटोरियल में आपको मैं वीडियो जो एनालिटिक्स है उसमें ठीक लाइक और शेयर, देखो कितना अच्छा लग रहा है इसको ऐसे जा रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया लगाना, मैं इसको एक बार इसमें अगर आप कोई कोई बंदा के आज वीडियो बोलते बोलते लास्ट में सब्सक्राइबर जो बटन है उसको लगाना दिखाता है। तो आपको मीडिया फाइल में जाना है। मैं पहले से एक बटन ले रखा ग्रीन स्क्रीन वाला, मैं इसको यूज करूँगा इधर। तो देखो ये सब्सक्राइब बटन जो होता है आपको मेरा वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसमें मेरे वेबसाइट में जाना है और यूट्यूब इंट्रो सर्च करना है या YouTube इंट्रो बेस्ट विश्वास टिप्स ऐसे गूगल में भी सर्च करोगे ना तो बहुत सारे इंट्रो आ जाएगा उसमें। आप फ्री एकदम वॉटरमार्क फ्री आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 15 या 16 मैंने ये जो सब्सक्राइब बटन वाला ब्लू ग्रीन स्क्रीन वाला डाल के रखा है उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, मेरे साइट में जाके आपको मिल जाएगा। तो ये है ग्रीन स्क्रीन, इसको भी हटाने के जो एक क्रोमा की होता है ना इसमें ये जो ग्रीन स्क्रीन वाला की होता है इसमें एक बार सिंगल क्लिक करना। लेकिन ऐसे अगर आप एक बार क्लिक करने से ये रिमूव तो हो जाता है लेकिन ये क्लियर नहीं होता, इसीलिए मैंने बता रहा पीछे वाला ग्रीन स्क्रीन जितना बार आपको रिमूव करना है आपको मैजिक टूल का यूज करना है। मैजिक टूल एक बार सिंगल क्लिक, इसको एक क्लिक देखो पूरा क्लियर आ गया ना, पहले थोड़ा लाइट सा आ रहा था तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने फायदा होता है इस ट्यूटोरियल में आपको मैं वीडियो जो एनालिटिक्स है उसमें दिखाऊंगा। अब आ गया ना, तो ये सब्सक्राइब बटन आ गया। अभी क्या है इसमें, अभी कभी वॉइस ओवर इसमें देखो कितना अच्छा से अब लगा सकते हो, बहुत बटन लगा सकते हो, अभी इमेज भी लगा सकते हो, कोई भी एलिमेंट वगैरह लगा सकते हो। मैं अच्छा अगर कोई एलिमेंट मेरे को मिल गया एक दो एलिमेंट मैं दिखा देता हूँ, इफेक्ट भी लगा सकते हो इसमें। तो मैं इसको हटा देता हूँ कि ये आप लोग सीख गए इसको सब्सक्राइब बटन कैसे लगाना है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो इसमें जैसे ये सारे आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी एक मैं यूज करके दिखाता हूँ। जैसे ये बल्ब वाला इसको मैं यहाँ रखूंगा, देखो ये क्या काम करता है, इसको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, कॉन्टेंट को डाउनलोड होना है कि वो ऑनलाइन एडिटिंग है, ऑफलाइन भी होता है, लेकिन अब कोई भी एलिमेंट पहले यूज़ करोगे तो ये डाउनलोड कंप्लीट करेगा कि उस एलिमेंट को डाउनलोड करेगा फिर होगा। देखो इसमें मैं यहाँ से दिखाता हूँ बनाया, आप डेली यूट्यूब वीडियो डालने से क्या आपका चैनल में, अभी इसको इधर भी हटा सकते हो, जैसे एक बार क्लिक किया इसको मैं यहाँ सेट कर सकते हो। तो इसको आप डेली यूट्यूब वीडियो डालने से देखो इफेक्ट देने से क्या होता है, बहुत कुछ अब आपके बातों से अटैचमेंट करके आप बहुत कुछ यहाँ डाल सकते हो, वॉइस इसमें आप बहुत कुछ डाल सकते हो, आपके हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं एक लगा के दिखा दिए एलिमेंट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है जो वॉइस ओवर वीडियो वगैरह बनाते हैं या जैसे टेक्स्ट टू स्पीच वाला वीडियो बनाते उसमें यूज होता है चीज। अभी इफेक्ट क्या चीज है, इफेक्ट आपको इफेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता लेकिन कभी कभी पड़ जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इफेक्ट क्या है, हम कुछ चीज़ हाइड कर देते हैं लिखते लिखते टाइम, तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो या कोई ब्लैक बैकग्राउंड लेके भी उसको कर सकते हो। मैं चीज़ को दिखा दूंगा, तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना अलग कर दिया मैं दिखा दिया। अभी आपके एरिया में कभी जैसे नॉइज होता है बहुत ज़्यादा, जैसे मान के चलो नॉइज़ है मेरे एरिया में बहुत सारे नॉइज़ है, तो आप वीडियो बनाते बनाते कुछ नॉइज आ गए इसमें, मैं यहाँ बीच में दिखा दूंगा आपको, ये मैंने वीडियो है बीच का क्वेश्चन के आंसर देना है। अच्छा ये नॉइज़ है, आपको इस नॉइज़ को चेंज हटा सकते हो और इसको रिमूव कर सकते हो। इसमें भी जो नॉइज रिमूवर सिस्टम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगा, आप कमेंट करना मैं इस चीज़ को इसमें कैसे वॉइस रिमूव कर सकते हो उसको बता देंगे, ठीक है। अभी हो गया ये लगभग मेरा पूरा, और भी कुछ है जैसे कमेंट वगैरह इसमें अलग से डाल सकते हो, जैसे कोई टाइटल डाल सकते हो, कोई भी ऑडियो डाल सकते हो, मीडिया डाल सकते हो, बहुत इजी है। जैसे मैंने यहाँ से कुछ काट कर दिया और बीच में आप एक ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हो, जैसे मैंने इसमें माउस रखा और इसको काट कर दिया, तो कास्ट करने के बाद आप इसमें भी और एक ट्रांजेक्शन लगा सकते हो।
इसमें भी और एक टर्न। अभी सवाल है, आप क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? देखो तो आप ठीक, तो ये बहुत बड़ा वीडियो है मेरा, तो आउट्रो के बीच में भी एक ट्रांजिशन दे देना, तो आउट्रो मैं उसको ऊपर कर देता हूँ कि आउट्रो लगाना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा आउट्रो के बारे में बताएंगे, आउट्रो बनाना सिखाएंगे और आउट्रो क्यों यूज करना चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंस क्यों यूज करना है। तो ऐसा है, मैं इसके भी एक ट्रांजेक्शन लगा देता हूँ, कोई भी एक ट्रांजेक्शन मैं यूज कर देता हूँ। तो लगभग मैंने सारे बता दिया, मैं अभी सोच रहा हूँ और कुछ तो छूट नहीं गया। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आप शॉर्ट वीडियो वगैरह क्रॉप करते हो ना, तो इस माउस को इधर आना है और इसमें जो क्रॉप बटन है, एक कट बटन है, डिलीट बटन है, ये टाइमर है, स्पीड है। आप इस कोई भी जैसे पोर्शन को आप स्पीड बना सकते हो। जैसे इस पोर्शन को मेरे को यहाँ तक कट करना है, कट करने के बाद इस पोर्शन को थोड़ा स्पीड में दिखाना है, इसको स्पीड में। तो इसमें एक सिंगल क्लिक करके आप टाइमर के ऊपर जाना है और इसको फास्ट कर देना, कितना गुना? 8 गुना। तो ये क्या हो जाएगा, इस पोर्शन जब चलेगा, मैं दिखा देता हूँ इसको, तो ये बहुत फास्ट हो गया। तो इसमें अगर आप साउंड नहीं दिखाना चाहते, इसमें साउंड को आपको कम कर देना है, इसको साउंड को आपको कम कर देना है। जैसे साउंड को कम कर दोगे, देखो फास्ट कम कर गया। तो इसमें स्लो फास्ट आप कर सकते हो। अभी क्रॉप करना है, मान के चलो इस पोर्शन को आपको क्रॉप करना है, तो मैं इसको एक बार माउस ये बार रख के इसको एक बार क्लिक करके, कोई बात नहीं, एक बार क्लिक करके मैं इसको क्रॉप में जाऊंगा। क्रॉप में जाने के बाद यहाँ जो मैं 16:1 पहले लिया था, इस यहाँ से आप इसको बहुत सारे रेशियो ले सकते हो, कस्टम बना सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है ये, एक दो वीडियो बनाओगे तो सीख जाओगे। मैं पहले आपको बहुत सारे कुछ बता दिया इसमें, बाकी इसमें खास कुछ नहीं है, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अभी एनिमेटेड भी कर सकते हो, एनिमेटेड बोले तो आप टेक्स्ट को एनिमेट बना सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी मैं, ये बहुत लंबा चीज़ है, मैं टेक्स्ट को एनिमेट बनाना भी सिखा दूंगा आपको। जैसे एनिमेट बनाना, जैसे मैं कोई भी एक टेक्स्ट लिखूंगा, कोई भी वीडियो, एक मैं इमेज यूज़ करता हूँ, तो मैं मीडिया फाइल में जाता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कुछ है कि नहीं। अच्छा, मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाला बिल्ली का एक फोटो, तो इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, पता नहीं इमेज ही होगा है। अच्छा, इमेज है, तो इमेज को मैं यहाँ से थोड़ा इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। मैं कुछ मिला नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर दिया। तो इस इमेज को एनिमेट करके दिखाना है, तो इसमें एनिमेट करके इसमें क्लिक एक बार सिंगल रखना है, और ये 3 डॉट दिख रहे हो ना, 3 लाइंस डॉट, इसमें एक बार सिंगल क्लिक करना है और काला ट्रांसफॉर्मर, ई एनिमेशन आता है। एनिमेशन में आप कोई भी एनिमेशन ऐसे खींच के इसमें कहीं भी एक जगह बार पे रख देना, तो इसे देखो कैसे दिखता है। इसको प्ले करोगे, बनाया आप दिन यूट्यूब वीडियो डालने से, देखो ये सीधा इधर से क्रॉस है। अभी इसको चेंज भी कर सकते हो, वैसे डिलीट कर दो और इसको ओके करो और इसको दोबारा सेट करो इधर। और मैंने इसको इधर से एक माउस करना है और इसको नीचे से अगर लाना है, तो आपको यह एक माउस करके क्लिक करना है, तो इसको ओके करना है, तो ये नीचे से कमिंग होगा। आप यूट्यूब वीडियो डालने से देखो, तो ये सारे चीज़ें बहुत इजी है। इसमें इसके लिए मेरे को कमेंट करना, जो भी आपको दिल लगे इसमें करने का, ये करना है मेरे को, टाइमर सेट करना है मेरे को, ट्रांजेक्शन सेट करना है मेरे को, इसको वॉइस को चेंज करके हमारे बैकग्राउंड रिमूव कर, क्यों इसमें हर फैसिलिटी, जो क्रैक वर्जन है ना फिल्म और काउंटर शेयर है, इसमें सारे कुछ है। आपको जो प्रॉब्लम मेरे को तक बचाना है, कमेंट करना है मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए मैं सेपरेट अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।